क्या आप में पिघले हुए लोहे में हाथ मारने की हिम्मत है? ज्यादातर लोग ये पूछने के लिए मुझे पागल समझेंगे, लेकिन इस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं है। नहीं, आपकी आंखें धोखा आपको नहीं दे रही। असलियत में दुनिया में ऐसी बहुत सारी अजीब और सुंदर चीजें हैं जिन पर शायद आपके लिए भी विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि ये घोस्ट हार्ट, एलियन जैसे दिखने वाले अंडे, या फिर एक व्यक्ति के 40 साल तक लंबे किए गए बाल। तो तैयार हो जाइए फिर से हैरान होने के लिए, क्योंकि आज हम लोग ऐसी चीजें देखने वाले हैं जिन्हें आप शायद जिंदगी में पहली बार देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वॉर्म लिजर्ड की। ये एक ऐसा प्राणी है जो कि इतना अजीब है कि कोई नहीं समझ पाया कि आखिर वो वॉर्म की फैमिली को बिलोंग करता है या फिर लिजर्ड की। इसीलिए इसको दोनों में डाल दिया गया है। अर्थ वॉर्म जैसे शरीर के साथ ये एक बहुत ही प्यारे गुलाबी रंग का प्राणी है जिसकी छोटी छोटी सी आंखें हैं। इन अजीब से प्राणियों को एम्फिबियंस के नाम से जाना जाता है, और ये नाम ग्रीक सर्पेंट एम्फिबियाना से लिया गया है जिसकी पूंछ पर दूसरा सर हुआ करता था। इस प्राणी की पूंछ पर भले ही दूसरा सर नहीं है, लेकिन ये कुछ कम अजीब नहीं है। ज्यादातर इनके शरीर पर लाते नहीं होती, लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे कि मैक्सिकन बाइप्स, उनके शरीर के अगले हिस्से पर ये अजीब से हाथ होते हैं। माने या ना माने, ये छोटे से प्राणी भी मांसाहारी होते हैं, और भले ये जितने मर्जी प्यारे क्यों ना लगते हों, ये शिकार बहुत अच्छे से करते हैं। ये छोटा सा प्राणी अपनी सारी जिंदगी जमीन के नीचे गुजारता है, जहां वो बड़े शातिर तरीके से पक्षियों और सांपों से बच जाता है, और साथ ही नीचे रह रहे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना पेट भर लेता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आम छिपकलियां नहीं आ सकती। 2017 में वर्चेस्टर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ी दुविधा का हल निकाल लिया। उन्होंने अपनी स्टडी में, जो कि बायो मटेरियल्स के जर्नल में पब्लिश हुई थी, उसमें बताया कि कैसे उन्होंने एक असली इंसान के दिल के मसल का अल्टरनेटिव बना दिया है, वो भी पैंच का इस्तेमाल करके। हालांकि साइंटिस्ट पहले ही लैब में 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े ह्यूमन टिश्यू को बना चुके हैं, लेकिन उसमें बस एक कमी थी, उसकी नसें नहीं बन पा रही थी। और यहाँ काम आती है हमारी स्पाइंच। अगर आप एक स्पाइंच के पत्ते को उल्टा करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर नसें हैं जो कि पानी और न्यूट्रिएंट्स को पूरे पौधे में फैलाने में मदद करती हैं। लैब में इसी पत्ते का इस्तेमाल करके उसके सारे सेल्स को हटाकर और सिर्फ सेल्यूलोज फ्रेम को रखकर साइंटिस्ट ने इंसानों की नसों की तरह उनके अंदर से भी खून के फ्लो को देखने की कोशिश की। उन्होंने फिर पत्तों को जिंदा इंसानों के सेल्स में रखा, जहां पर इस पत्ते ने कमाल कर दिया। इसकी नसें इंसान के नसों की तरह काम करने लग गईं और ये एक छोटे दिल में बदल गई। साइंटिस्ट को उम्मीद है कि ये रिसर्च उन्हें हार्ट अटैक या दिल के मरीजों के टिश्यू को रिप्लेस करने में मदद करेगी। भाई, मुझे तो इससे पोपाय की याद आ गई। क्या इसको देखकर आपके दिमाग में भी खाने का विचार आया? विचार की बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार कैसे दिखाई देते हैं? इसे देखिए। आप यहां पर जो देख रहे हैं वो असल में हमारे दिमाग के न्यूरॉन हैं, जो कि एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे हैं। ये एक स्पेशल तरह के नर्व सेल्स होते हैं जो कि बचपन में बच्चे का दिमाग बनते समय बहुत ज्यादा काम आते हैं। न्यूरॉन हमारे दिमाग के बेसिक वर्किंग यूनिट होते हैं, जो कि हमारे दिमाग से सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे नर्व सेल्स, मसल्स और ग्लैंड सेल्स तक जाते हैं। इस सेल के शरीर पर एक ब्राइट स्पॉट होता है जिसको कि न्यूक्लियस कहते हैं, और एक एक्सोन होता है जो कि सेल की बॉडी से निकल रहा होता है और जिसके अंत में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। डेंड्राइट्स भी एक न्यूरॉन से निकलते हैं और दूसरे न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करते हैं। इनके आसपास सिनेप्सिस होते हैं जो कि दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन के द्वारा बनाए जाते हैं, और जब एक न्यूरॉन दूसरे से कम्युनिकेट करता है तो आपको सिनेप्सिस ही दिखाई देता है। जब एक न्यूरॉन मैसेज भेजता है या फिर रिसीव करता है तो वो अब एक्सोन के द्वारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा करता है जो कि 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 फीट तक लंबा हो सकता है। एक मैमल के दिमाग में 100 मिलियन से लेकर 100 बिलियन तक न्यूरॉन होते हैं। अगर आपको हैरान करने के लिए काफी नहीं था तो जरा ये सुन लीजिए। अभी आप न्यूरॉन को कनेक्शन बनाते हुए देख रहे हैं तो आपके दिमाग में भी यही कनेक्शन बन रहे हैं ना? अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके न्यूरॉन थोड़ा काम करें तो क्यों ना उन्हें एक छोटी सी जॉब दे दी जाए। मतलब जैसे नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। तो चलिए वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। सर्जरी करवाना बहुत ज्यादा थका देने वाला प्रोसेस होता है भाई, लेकिन सोचिए अगर ऐसा हो जाए, आपकी दिनचर्या भी खराब ना हो और आपकी सर्जरी भी हो जाए। मतलब सर्जरी के टेबल पर ना लेट कर आपको एक दवाई दे दी जाए जो कि एक बार निकलने पर आपके शरीर में जाकर वो पिघल जाए और उसमें से एक छोटा सा रोबोट निकले। एक बार जब रोबोट आपके अंदर पहुंच जाए तो वो खुद ही सर्जरी कर दे
और फिर काम करने के बाद आपके शरीर में डिजोल्व होकर बाहर आ जाए। शायद आपके सुनने में किसी इमेजिनेशन से बनाए गए नॉवल का हिस्सा लग रहा होगा, है ना। लेकिन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का सपना इसी रोबोट को ओरिगामी से बनाना है। टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाने के बाद उन्हें पता चला कि इतना छोटा रोबोट बनाने के लिए उन्हें रोबोट को फ्लैट बनाना पड़ेगा। इसका एक ही हल था कि इस रोबोट को ओरिगामी से बनाया जाए। आखिरकार रिसर्च इस फैसले पर पहुंची कि रोबोट को एक रेक्टेंगुलर शेप दे दी जाए जो कि फोल्ड भी हो जाए और तापमान के हिसाब से उसका आकार बदल जाए, साथ ही मैग्नेट की मदद से वो चल सके, रोल हो सके और यहाँ तक कि फिसल भी सके। अब किसको पता कि शायद कल की सारी दिक्कतों का हल ये छोटा सा रोबोट हो। आप माने या ना माने, लॉबस्टर्स धरती के सबसे अजीब क्रिएचर हैं। वो अपनी लातों से चखते हैं, पेट से चलते हैं और एक दूसरे से बात करने के लिए एक दूसरे के मुंह पर पेशाब करते हैं। लेकिन क्या आपको पता था कि वो रीजनरेट भी कर सकते हैं? ये देखने में कितना अजीब लग रहा है ना। दूसरे जानवरों के विपरीत जिनका शरीर स्वस्थ होता है और उनकी चमड़ी हमारी तरह होती है, लेकिन लॉबस्टर का एक बहुत ही सख्त एक्सोस्केलेटन होता है जिसको वो जिंदगी में बहुत बार बदलते हैं। इस स्केलेटन को डालने से पहले उनके शरीर में एक और स्केलेटन बनने लग जाता है और वो पुराने स्केलेटन के सारे न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद वो स्केलेटन उतरता है। जैसे ही अंडे में से बाहर निकलते हैं वो अपना स्केलेटन चेंज कर लेते हैं और जब तक बड़े होते तब तक वो लगभग 25 बार अपना स्केलेटन चेंज कर चुके होते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हर बारी जब वो अपना स्केलेटन बदलते हैं उनके पास रीजनरेट करने का मौका होता है। इसका मतलब है कि अगर कभी उनके हाथ या पैर किसी वजह से खराब हो जाते हैं तो वो उनको फिर से बना सकते हैं। अगर इंसानों को मधुमक्खियों से कोई चीज सीखनी हो तो वो होनी चाहिए भैया टीम वर्क। इनकी पूरी कॉलोनी इकट्ठे काम करके ज्यादा से ज्यादा पॉलन और नेक्टर को कम से कम समय में इकट्ठा करती है और इस चीज के लिए उनके पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है, इनका वेगल डांस। ये छोटी सी मधुमक्खी सिर्फ मजे के लिए नहीं नाच रही, वो असल में उसका स्वाद नेक्टर की असली लोकेशन सबको बता रही है। जब एक मधुमक्खी को कहीं पर खाना या नेक्टर मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो वापस आकर अपनी कॉलोनी की दूसरी मधुमक्खियों को भी बताए। मधुमक्खियों के अंदर एक इंटरनल घड़ी होती है जो कि उनको हर समय पर आसमान में सूरज की दिशा बताती रहती है और इसी की मदद से वो बाकी की मधुमक्खियों को भी डायरेक्शन बताते हैं। उनका डांस असल में 8 की शेप में होता है जिससे कि दो चीजें बताई जाती हैं। पहला, बीच वाली लाइन की लंबाई जिसको कि वेगल रन कहते हैं, वो बताती है कि उस जगह से फूल कितनी दूर है। मधुमक्खियों को ये भी पता होता है कि ग्रेविटी के हिसाब से छत्ते के अंदर कौन सी जगह ऊपर और कौन सी जगह नीचे है, इसीलिए वो ऐसे एंगल पर नाचती हैं कि वो गलती से ऊपर ना चली जाएं। इसके बाद पूरी कॉलोनी सूरज की दिशा को पहचानती है और उसी एंगल पर अपने छत्ते से दूर उड़ने लग जाती है। अब इसको कहते हैं ना दिमाग। क्या आपको पता था कि मधुमक्खियां एक दूसरे से नाच कर बात करती हैं? मुझे लगता है मुझे कुछ डांस स्टेप्स इन्हीं से सीख लेने चाहिए। क्या आपको भी कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें पता है जो आपको लगता है पूरी दुनिया को पता होना चाहिए? मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में आकर बताएं और अगर आपके पास कोई पिक्चर या वीडियो है तो उसको मेरे साथ clips@bamaze.com पर शेयर करें। हो सकता है कि अगले एपिसोड में आपको शाउट आउट मिल जाए। टीम वर्क की बात कर ही रहे हैं तो शायद आपको ये देखकर हैरानी होगी कि किस तरह चाइना में इंसान और कॉर्मोरेंट पक्षी इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। इस विचित्र जोड़े को जोंगजी जुआंग ऑटोनोमस रीजन के ली रिवर में इकट्ठे मछली पकड़ते हुए देखा गया। इस पानी में हजारों सालों से कॉर्मोरेंट फिशिंग की प्रथा चलती आ रही है। सूरज ढलने पर मछली पकड़ने वाले नदी के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं और उनके पास एक लंबा सा बंबू होता है जिसके ऊपर ये पक्षी बैठकर मछलियां पकड़ते हैं। ज्यादातर इस पक्षी के गले के आसपास एक धागा बांध दिया जाता है ताकि ये किसी भी मछली को निगल ना जाए और हर 7 मछलियां पकड़ने के बाद इस पक्षी को 8वीं मछली इनाम के तौर पर खाने को मिलती है। यहाँ तक कि बोर्ड इंटेलिजेंस पढ़ने वाले लोगों का ये भी मानना हो सकता है कि ली रिवर के किनारे रहते पक्षियों को 8 तक गिनती करनी आती हो। सोचिए अगर हम इसी प्रकार हमारे साथ रह रहे जानवरों के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर चलें तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी, है ना। दुनिया में बहुत ज्यादा अजीब अजीब तरह की बिल्डिंग्स हैं, लेकिन कोई भी बिल्डिंग्स इस जुयांग साउथ वेस्ट चाइना की बिल्डिंग लिबियन इंटरनेशनल बिल्डिंग से बेहतर नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो किसी बिल्डिंग में नहीं है, एक विशाल मैन मेड वाटरफॉल। ये दुनिया का एक अकेला ऐसा स्काई स्क्रपर है जो कि लिबियन इंटरनेशनल प्लाजा के अंदर बनाया गया है और 121 मीटर लंबा है और इसके अंदर बनाया गया नकली वाटरफॉल 108 मीटर लंबा है। ये वाटरफॉल 4 पंप्स की मदद से अंडरग्राउंड टैंक में इकट्ठे हुए बारिश के पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये दुनिया का आज तक का बनाया हुआ सबसे बड़ा आर्टिफिशियल वाटरफॉल है और ये किसी भी बिल्डिंग में लगाया हुआ अब तक का सबसे बड़ा वाटरफॉल है।
इसको बनाने वाला कलाकार चाहता था कि किसी तरह नेचर और सिटी लाइफ इकट्ठे आ जाएं और लोगों को दोनों का मजा एक बार में मिल जाए, क्योंकि वाटरफॉल को चलाने के लिए घंटे के $120 लगते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ स्पेशल ओकेजंस पर ही किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो ऑफिस में बैठे लोगों को क्या 24 घंटे वॉशरूम में बिताने पड़ते। तूफान काफी ज्यादा डरावना होता है, लेकिन मैक्सिको के मोंटे मोरेलोज में रह रहे लोगों ने जो चीज देखी वो तो कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। मई 2020 में अचानक से शहर में तूफान आ गया और वहां रह रहे लोगों ने इसको कोरोना वायरस हेल का नाम दिया। आप टेनिस बॉल के साइज के ओलों को तो भूल ही जाइए, इन बर्फ के गोलों का आकार कुछ और ही था भाई, जो कि देखने पर इनको कोरोना वायरस जैसा बना देते थे। वहां रह रहे लोगों ने तो ये भी कह दिया कि भगवान की तरफ से ये घर पर रहने के लिए एक चेतावनी है, लेकिन इसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, है ना। मेट्रोलॉजिस्ट जोस मिगल वेनस ने बताया कि ये आकार बहुत ही आम है और अक्सर भारी तूफानों में पाया जाता है। एक हेलस्ट्रोम के अंदर ओला छोटे गोले की शेप में बनना शुरू होता है और धीरे धीरे उसके ऊपर बर्फ इकट्ठा होती रहती है। जब तूफान बहुत ज्यादा तेज होता है तब कभी कभार ओले एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इकट्ठे जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ऐसा आकार बन जाता है। 2020, अब हम और ज्यादा सरप्राइज नहीं सह सकते। अब हम डरावने मौसम की बात कर ही रहे हैं, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी तूफान से बाल बाल बचे हों? हो सकता है आपने इस चीज के बारे में ज्यादा ना सोचा हो, लेकिन बारिश आसमान से सिर्फ गिरती नहीं है, ये बादलों के अंदर इकट्ठे हुए मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। हम सभी को पता है कि ऐसा होता है कि जहां एक शहर में बारिश हो रही हो वहीं दूसरे शहर में आसमान बिल्कुल साफ हो। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि आप किसी ऐसी जगह पर खड़े हों जहां बारिश बिल्कुल खत्म हो रही हो, वो भी सड़क के बिल्कुल बीचों बीच। जब बारिश पहाड़ की सिर्फ एक तरफ हो रही होती है तो उसको कई बार रिलीफ रेन का नाम दिया जाता है, लेकिन जमीन पर हो रहे इस विचित्र फिनोमिनन को कोई नाम नहीं दिया गया है। ये बस कुदरत का एक करिश्मा भर है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने बालों को 40 साल तक बिना उनके काटे उगने दें तो कैसे लगेंगे? अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये है ना एकदम मजेदार। इस अनजान व्यक्ति को अपने बालों के लिए जमैकन रैपेंशल का नाम दिया गया। इसके विचित्र बालों की वीडियो एंड्रे चिन, जिसको की चीनो लिंक्स बुलाया जाता है, उसके द्वारा दुनिया को शेयर की गई। ये अपने परिवार से मिलने जमैका गया था, जहाँ पर उसको ये व्यक्ति मिला जो कि उसी के एक अंकल का दोस्त था। रास्तफारियंस के लिए बाल लंबे करना एक धर्म माना जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, दो शैल नॉट मेक बैलनेस ऑन द हेड। ये सुपर कूल इंसान 15 साल की उम्र से इन बालों को बड़ा कर रहा है और उसको अपने बालों को पूरी तरह खोलने में पूरे 2 मिनट लग गए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि कैसे हम देख पा रहे हैं कि इसके बाल नीचे से भूरे और ऊपर से सफेद हैं, जैसे कि इसके साथ साथ इसके बालों ने भी पूरी जिंदगी जी ली हो। हमें पता है कि जीसस अगर चाहें तो फिर पानी को भी शराब बना सकते हैं, लेकिन मार्च 2020 में इटली एमिलिया रोमेंगा के नॉर्दर्न रीजन मेडिना के एक छोटे से गांव में रह रहे लोगों को लगा कि शायद सचमुच भगवान वापस आ गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ रह रहे लोगों को लगा कि शायद पानी में कुछ गंद डाला गया है, लेकिन जब लगातार काफी समय तक पिंक पानी आता रहा तो उनका शक पक्का हो गया कि ये कुछ और नहीं बल्कि उनके गांव में बनाई जाती लेम्ब्रुस्को ग्रैपरोसा वाइन है। दुर्भाग्यवश ये जादुई चीज भगवान का करिश्मा नहीं था बल्कि एक टेक्निकल फॉल्ट था, क्योंकि साथ ही टैकिनी वाइनरी में से वाइन लीक हो रही थी और सीधा वाटर की पाइप में जाकर मिल रही थी, और यही पानी आगे उस शहर के लोगों के घर पहुंच रहा था। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन अगर उनकी जगह मैं होता तो अपनी बाल्टियां इस वाइन से भर कर रख लेता। कई लोगों का कहना है कि बाकी प्लेनेट के मुकाबले धरती थोड़ी बोरिंग सी है, लेकिन अगर धरती के आसपास भी रिंग्स होती तो क्या होता? मानिए ना मानिए, साइंटिस्ट को लगता है कि जब धरती का चांद बन रहा था तो उसके आसपास रिंग होती थी और धरती कुछ इस तरह लगती थी। 1970 के दौरान साइंटिस्ट ने एक नया आइडिया निकाला जिसका नाम था जाइंट इंपैक्टर हाइपोथेसिस, जो बताता था कि जब 4.45 बिलियन साल पहले धरती बन रही थी तब मार्स इतना बड़ा प्लेनेट था जिसका नाम थिया था, जो कि धरती से आकर टकरा गया था। ये टकराना इतना ज्यादा ताकतवर था कि इसकी वजह से धरती का कुछ हिस्सा टूटकर स्पेस में चला गया। थिया धरती से टकराकर धरती के कोर में ही पिघलकर समा गया, लेकिन जो टुकड़े स्पेस में थे वो इकट्ठे हो गए और उसी से चांद बन गया। इसी दौरान धरती के आसपास एक रिंग भी बनी थी। आज धरती के आसपास रिंग की बजाय एक चांद
द रोशे लिमिट की वजह से है, जो बताता है कि किस तरह एक प्लैनेट अपने सबसे नजदीकी चांद पर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। इसका मतलब है कि कोई भी चांद या रिंग या कोई भी और चीज अगर धरती के बहुत ज्यादा पास आएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पूरी तरह से नष्ट कर देगा, क्योंकि रोशे लिमिट के मुताबिक एक डिस्टेंस तय है जिसके बाद ही एक प्लैनेट अपनी ग्रेविटी के हिसाब से खुद को स्टेबल रख सकता है। अगर ये रिंग इस रोशे लिमिट के अंदर होती तो शायद आज भी धरती पर कोई चांद नहीं होता और हमारा आसमान भी शायद कुछ अलग ही दिखाई दे रहा होता। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि हम टिकटॉक से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। नाच गाने और डांस के अलावा भी आपको आगे बताई गई कुछ बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। सेटिस्फाइंग रिनोवेशन वीडियोस को तो आप भूल जाइए, क्योंकि अब हमारी एक नई एडिक्शन होने वाली है, वो भी पाउंड ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस। लेकिन आखिरकार ये चल क्या रहा भाई? ये क्लिप ओहायो से मेलेडी जे द्वारा भेजी गई थी। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये डाय कितनी हानिकारक है, लेकिन चिंता ना कीजिए, क्योंकि ये जानवरों के लिए और समुद्र में रह रहे जीवों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। उल्टा ये नॉन टॉक्सिक डाय वाटरमिल फॉइल, मैट्स और पॉन्डवीड जैसे पौधों को रोकने में मदद करती है और खतरनाक एल्गी से भी बचा कर रखती है। हम इंसानों को ये रंग देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अगर आप कोई कार्टून बनकर बाहर नहीं आना चाहते तो कृपया इसके अंदर डुबकी ना लगाएं। अगर आप अपनी डेट को दिखाना चाहते हैं कि आप कितने ज्यादा कल्चरल हैं, तो शायद सबसे अच्छा आइडिया है पहले डेट पर म्यूजियम जाना। लेकिन साथ ही अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आप कितने मजाकिया हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा चीजों को बदलकर म्यूजियम ऑफ बैड आर्ट के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इस आर्ट गैलरी में क्या है, तो उसके नाम में ही मौजूद है बैड आर्ट। शायद आपको सुनने में मजाक लग रहा है, लेकिन सचमुच इस म्यूजियम की तीन ब्रांच समरविल, ब्रुकलिन और मैसाचुसेट्स के साउथ वेमाउथ में है। मोबा पहली बार 1994 में बना था, जब एक एंटीक डीलर स्कॉट विल्सन कूड़ेदान में से एक अजीब से पेंटिंग उठाकर अपने दोस्तों के पास लाया, जिन्होंने फिर इन्हीं चीजों की कलेक्शन शुरू करने का फैसला किया। आज इस म्यूजियम्स के अंदर 800 से भी ज्यादा आर्टवर्क है, वो भी उन आर्टिस्ट के जिनको कहीं भी ज्यादा तारीफ नहीं मिल पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ भी जमा करवा सकते हैं। मोबा की नियम है कि सारे आर्टवर्क ओरिजिनल होने चाहिए और उनके पीछे कोई सीरियस मोटिव होना चाहिए, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक ऐसी कमी भी होना चाहिए जो उसको इंटरेस्टिंग बनाए। इसका मतलब है कि मोबा के लोग कूड़ा कबाड़ तो लेते हैं, लेकिन वो भी चुनकर। अगर दुनिया में एक ऐसी चीज है जो कि आप जिंदा होते नहीं देख सकते, तो वो हैं आपके खुद के ऑर्गन्स। ये तो साइंस का शुगर है कि अब हमें पता है कि हमारा दिल असल में हार्ट शेप्ड नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी घोस्ट हार्ट देखा है? नहीं, इस दिल को वाइट डाई से रंगा नहीं गया है। ये आप ही का दिल है जो कि बिना ब्लड सेल्स के ऐसा दिखाई देगा, और खासकर जब इसके अंदर सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू रह जाएंगे। इस प्रोसेस को डीसेल्युलराइजेशन कहा जाता है, और ये किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट के लिए बेहतर बना रहा है, जिससे कि उस ऑर्गन के रिजेक्ट होने के चांस कम हो जाते हैं। टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने इस सुअर के दिल को एक स्पेशल डिटर्जेंट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके इसमें से सारे ब्लड सेल्स निकालकर बनाया था, जो कि सभी सेल्स को तोड़ देता है और दिल में सिर्फ प्रोटीन रह जाते हैं, और इसीलिए ये ट्रांसप्लांट में बहुत ज्यादा कामयाब होता है। उसके बाद इस दिल में मरीज के शरीर से निकालकर बनाए गए डुप्लीकेट स्टेम सेल्स को हजारों की तादाद में डाला जाता है। साइंटिस्ट ने अभी तक सुअर और चूहे दोनों के ही इंजीनियर्ड दिल बनाकर ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, और सभी को उम्मीद है कि हो सकता है कि यही चीज हार्ट सर्जरी में भी काम आए। जरा सोचिए कि आप एक दिन आराम से बीच पर वॉक कर रहे हैं कि तभी आपका पैर इस अजीब सी चीज में अटक जाता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि सचमुच अब एलियन धरती पर आ चुके हैं, लेकिन आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। यह अजीब सा प्राणी जो कि इस डंडे के अंदर घूम रहा है और कुछ नहीं बल्कि एक अनहैच्ड शार्क है। अब पता नहीं ये क्यूट है या फिर डरावने। बहुत सारी मछलियां और बाकी ओविपरस जानवरों की तरह ज्यादातर शार्क जैसे कि व्हाइट स्पॉटेड बैम्बू शार्क और जेब्रा शार्क भी अंडे से निकलती हैं। इस अजीब से अंडे के अंदर बहुत जरूरी विटामिन और ऐसी चीजें होती हैं जो कि शार्क की ग्रोथ में मदद करती हैं, और अंडे के योक में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ऐसे हिलने से शार्क को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है जो कि पानी के आसपास इकट्ठा हुई होती है। इनकी माँ इनको बड़ा होता हुआ देखने के लिए इनके साथ नहीं रहती, बजाय इसके इन अंडों के नीचे टेंड्रिल्स होते हैं जो कि इनको किसी पत्थर, कोरल या स्पंज से जोड़कर रखने में मदद करते हैं। एक बार जब बेबी शार्क बड़ी हो जाती है तो वो हैच हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि ये अंडे समुद्र की गहराइयों से निकलकर आपको नदी के किनारे मिले। अगर हम जानवरों के बच्चे देने की बात कर ही रहे हैं, तो क्या आपने कभी
पहले एक प्रेग्नेंट कैमेलियन देखा है। हालांकि कई सारी छिपकलियां अंडे देती हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज जैसे कि कैमेलियन, जैसे आपको यहाँ पर जैक्सन का कैमेलियन दिख रहा है, बच्चे देते हैं। ये प्राणी 4 से 6 महीने के जेस्टेशन पीरियड के बाद 8 से 23 बच्चों को एक बारी में जन्म देते हैं। हालांकि ये बच्चे अंडे में पैदा नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले अंडे नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी माँ देती असल में अंडे ही है, लेकिन बिना शेल के, और उसको बाहर किसी नेस्ट में रखने के बजाय वे अंडों को अपने पेट में रखती है। और भले फिर कोई कैमेलियन की स्पीशीज ही क्यों ना हो, ये 1 से 2 साल में मैच्योर भी हो जाते हैं। लेकिन मेडागास्कन कैमेलियन के साथ ऐसा नहीं होता, जो कि दुनिया का सबसे जल्दी मर जाने वाला वर्टिब्रेट है। उनके अंडे नवंबर में हैच होते हैं, वो बड़े जनवरी तक हो जाते हैं। फरवरी में वो अंडे देते हैं और फिर 3 महीने की जिंदगी के बाद इनकी मौत हो जाती है। ये धरती पर सिर्फ मजे लेने के लिए आए हैं, ज्यादा समय तक रुकने के लिए नहीं। क्या आपको मेरी बताई गई सभी बातें बहुत मजेदार लग रही हैं? तो क्यों ना आप इस सीरीज की बाकी और भी वीडियोस को जाकर चेकआउट कर लें। मैं आपके लिए उनको स्क्रीन पर डाल देता हूं। और हाँ, clips@bmnews.com पर मजेदार और अनोखी चीजें भेजना ना भूलें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।